नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे क्या बात अपन करने वाले हैं। अपनी जो बोलेरो है इसकी हेडलाइट जो है हमने चेंज करवा दी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या प्राइसिंग आई और क्यों चेंज करवाई। चेंज करवाना तो बिल्कुल आसान सा रीज़न है, जो फ्रंट का ग्लास था वो पीला पड़ गया, इस वजह से जो है ना इसको चेंज करवा दी। एक तो इसकी लाइट उसकी वजह से कमज़ोर होगी और दूसरा क्या, गाड़ी का लुक भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो इसलिए ये दोनों लाइटें जो है चेंज करवा दी। क्या कॉस्टिंग वगैरह आई वो वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियोस देखते ज़रूर हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारी रिक्वेस्ट है आप जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और साथ में लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसी लगती है लाइट्स। तो लाइट्स चेंज होने के बाद कुछ ऐसा लुक जो है ना अपनी गाड़ी का आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और जो लाइट्स हमने लगवाई है जो इस मॉडल के अंदर आती थी ना वो की वही है। वैसे चाहते हैं तो अपन जो नई गाड़ी की आ रही है वो लाइट लगवा सकते हैं, पर उसका लुक इतना नहीं आएगा इस मॉडल के साथ। उसका मॉडल जो नए मॉडल हैं 2022 के बाद वाले, उनके अंदर जो लाइट्स आई है उनका लुक जो है ना नई वाली गाड़ी के अंदर ही अच्छा लगता है, क्योंकि बम्पर वगैरह भी उसी हिसाब से हैं और एक गाड़ी की ओरिजिनलिटी बनी रहे, इसलिए जो है ना इन्हीं लाइट्स को वापस से लगाए हैं। रिफ्लेक्टर जो है इनके काफ़ी अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे ये लाइट्स जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल है, यहाँ पे आप जो है ना इसका लोगो भी देख सकते हो, और यहाँ पे इसका आप लोगो भी देख सकते हो, महिंद्रा का लोगो है और नीचे जो है ल्यूमेक्स। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो वैसे और कंपनी से होती है, महिंद्रा के लिए बनाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है। और इस साइड भी आप देखिए, और लुक जो है ना कुछ इस हिसाब से आ रही है फिलहाल खड़ी है, एकदम जबरदस्त। चेंज बहुत छोटा सा है, लाइट से चेंज हुई है, पर आप जो है ना गाड़ी की लुक जो है उसमें फर्क देख सकते हो। पहले की वीडियो ये है जिसके अंदर जो है ना गाड़ी की लाइटें जो है पीली पड़ी हुई है और कुछ इस हिसाब से दिखती है, और अब आप गाड़ी का लुक देखिए, एकदम बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये लगभग एक लाइट अपने को पड़ी है 2200 रुपये के आसपास, एक लाइट ये 2200 हो गए लगभग 4400-4500 रुपये। ऊपर में जो अपना खर्चा है दोनों लाइट्स को चेंज करवाने का लगभग 4500 रुपये पड़ता है। इसके साथ आप ट्यूब्स वगैरह चेंज करवाओ तो उनके रेट जो है वो अलग हो जाएंगे, एक ट्यूब आएगी लगभग 250-300 रुपये के आसपास। अपनी इस गाड़ी के अंदर 100-130 वोट की जो है ना लाइटें लगी हुई है, ट्यूब्स है वो लगी हुई है, तो वो एक ट्यूब 250-300 रुपये की पड़ती है। तो उससे जो अपनी प्राइसिंग पे फ़र्क पड़ती है ना वो आप समझ लेना कितनी आएगी। तो कंप्लीट सब कुछ चेंज करवाते हैं ना, लाइट्स हो गई, बल्ब हो गए, तो लगभग 5000 के अंदर सारा काम हो जाता है। 500 रुपये की अपनी मेन ट्यूब्स होगी और लाइट जो है इस हिसाब से अपने को पड़ेगी। और रिफ्लेक्टर इसके बिल्कुल अच्छे हैं, नए हैं, तो उनसे जो है लाइट भी इसकी अच्छी होगी, उनमें जो है ना लाइट की ब्राइटनेस काफ़ी कम हो गई थी, ये साइड जो ना बिल्कुल पीले पड़ चुके थे, इस वजह से चेंज तो करना ही था। और अब से पहले जो अपनी वीडियो अपलोड है जिसमें हमने बताया था कैसे साफ़ करते हैं लाइट को खोल के और पानी से साफ़ करना होता है वो बताया था, तो वो वीडियो आपने देख ली होगी। लाइट्स चेंज होने के बाद जो ना फ़र्क बहुत ज़्यादा आ रहा है गाड़ी के अंदर, लुक जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ख़राब हो रखी थी, तो लुक आती कहाँ से। और अभी आप देखिए शानदार लग रही है आगे से, बिल्कुल एकदम जैसे ऐसे लग रहा है नई गाड़ी होगी। तो लाइट्स की जो भी प्राइसिंग है आपके एरिया के हिसाब से चेंज हो सकती है, मोटा मोटा आप अंदाज़ा ये लगा के रखिए 2200 से लेके 2500 के बीच बीच में ये लाइट पड़ती है, या 2000 से लेके 2500 के अप्रोक्स जो है ना आपको लाइट्स का खर्चा पड़ेगा, ट्यूब्स अलग से हो जाएगी। तो दोनों, अगर हेडलैम्प आपको, हेडलैम्प की बात नहीं करेंगे, हेडलाइट कंप्लीट आपको चेंज करनी है तो लगभग 5000 रुपये की कॉस्ट आएगी, ट्यूब्स वगैरह मिला ले तो 500-700 जो है ना आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इतना खर्चा आता है बोलेरो की हेडलाइट्स चेंज करवाने का। न्यू वाले मॉडल की लाइट्स के रेट के बारे में अपने को आइडिया नहीं है, और अपनी जो गाड़ी है इसके अंदर जो है ट्यूब्स वगैरह सेम है, एक ट्यूब चेंज हुई है, दूसरी ट्यूब सेम है, बल्ब वगैरह साथ के ही हैं, और लेबर चार्ज वगैरह आप इसमें और जोड़ लीजिएगा अगर आप
मिस्त्री से चेंज वगैरह करवा रहे हो तो 400-500 रुपये मिस्त्री भी ले लेगा। और ये जो रेट है ना, ये बाहर के रेट हैं, एजेंसी के रेट जो है ना आपको इससे अलग देखने को मिल सकते हैं। ये लाइटें जो है एजेंसी से नहीं ली, अगर एजेंसी से लेते हैं तो ऐसे मान लो 200-400 रुपये और ही महंगी पड़ेगी। तो कुछ इस हिसाब से डिटेल थी अपनी वीडियो के अंदर। अगर आपको लाइट्स क्लीन करनी है अपनी गाड़ी की तो उसकी वीडियो जो है ना आई बटन में लिंक आ रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हो, खोलना है और अच्छे से साफ करके आप वापस लगा सकते हो। पहले हमने एक बार इसकी लाइटें उसी हिसाब से क्लीन की थी, बट आज जो है ना चेंज ही करवा दी और बिल्कुल अच्छी लग रही है। लाइट जो है ना वैसे भी तेज़ होगी, जो सामने मतलब अपने ऐसे बोलते हैं ना इसकी रोशनी है ना, वो भी काफ़ी तेज़ होगी, चेंज होगी तो वो तो तेज़ होनी थी। रिफ्लेक्टर बिल्कुल बढ़िया है। और अपनी राय यही रहेगी, अगर आप लाइट्स वगैरह चेंज करवा रहे हो तो आप जो है ना गाड़ी के अंदर ओरिजिनल लाइट्स ही डलवाएं, बाद में अगर आपको चेंज करवानी पड़ी हेडलाइट तो, क्योंकि एक तो क्या ओरिजिनल की लाइफ अच्छी होती है और दूसरी जो क्वालिटी होती है ना मटेरियल की वो अच्छी होती है। अब ये जो लाइटें हैं ना जल्दी से ख़राब नहीं होगी, अगर आप इनकी जगह पे कोई भी लाइट लगाते हो ना ऐसी तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, या इसकी कॉपी लगाते हो ना आप तो बहुत जल्दी पीली पड़ जाएगी। तो जो 5 साल चलनी थी वो 2 साल के अंदर ही ख़राब हो जाएगी, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो बस इस वीडियो में इतनी जानकारी, आई होप सारी बातें जो ना इसके बारे में अच्छे से बता दी। तो आप जो है ना अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, प्राइस आपको बता दिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, फिर भी कुछ रहो तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको इसका जवाब देंगे। तो चलिए ठीक है जी, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक देख रहे हो वीडियो तो लाइक करके जाना, पहले मत जाना।